अगर बच्चे ये वीडियो देखना चाहते हैं कृपया ईयरफोन लगाएं, वरना उन्हें घर से निकाला जा सकता है। 1000 लाइक्स का टारगेट है इस व्लॉग का, फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो। तो ये है पूरा सेंटर एंड मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ अभी। ये देखो भाई, ऐसा एडवेंचर मैंने आज तक नहीं करा। पानी बढ़ता है तो पता लग जाएगा। इस पत्थर से इधर आया तो पानी तेज हो रहा है। जंगलों में आते हुए 30 साल हो गए, अंधेरा इतना हो गया कि निकलना मुश्किल हो गया, वीडियो तो इम्पॉसिबल। अब हमें इस रास्ते जाना है, सबने अपनी टॉर्चेस जला ली है भाई। ये देखो, नेक्स्ट डे। हे गाइस नमस्ते, इट्स योर कलश, इट्स योर कलश, इट्स योर कलश। आपको मजे आ ही रहे होंगे, सेकंड लोग आए हो, आपको अच्छा लगा होगा। भाई रिसॉर्ट कैसा है पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया भाई, मजे कर रहे हैं ना पूरे पूरे यहाँ पे। भाई सबसे पहले चारों को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, इन चारों का डिस्क्रिप्शन में। वैसे आज हम जा रहे हैं मारचूला, बहुत ही बढ़िया होने वाला है ये ब्लॉग। जाके फटाफट से कमेंट करो, लाइक टारगेट कितना रखो इस ब्लॉग का? 1000 लाइक्स रख दो। ठीक है, 1000 लाइक्स का टारगेट है इस ब्लॉग का, फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो एंड चलते हैं। वीडियो मिस मत करना, पूरी देखना। बाय बाय। गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा है ये सीन पूरा। दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। भाई रोड के बीच में से पानी निकल रहा है, इसमें से गाड़ियां, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हो जितने भी ट्रीज हैं यहाँ पे, ये इनको बोलते हैं साल के पेड़। बेसिकली साल इज द एक्सपेंसिव वुड। सो अंकल आदम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। हम आज रामनगर से जिम कॉर्बेट से मोहान होते हुए मारचूला जा रहे हैं। अच्छा मारचूला। हाँ ओके। मारचूला रामनगर से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा। हिल्स पे है, हम हिल्स पे ही है और वहाँ पे रिवर है, उधर आज फिशिंग करेंगे। ये मेरे को बहुत ही चीज लगी, फिशिंग करेंगे, ये चीज सही है। और गाइस अंकल के साथ अंकल के फ्रेंड भी हैं। सो हेलो अंकल, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया बेटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। तो आज हम पक्का मछलियाँ पकड़ने वाले हैं ना बेटे? कुछ नहीं कह सकते हम, वी आर गोइंग फॉर द एंजॉय। चलो ठीक है, वी आर गोइंग फॉर मारचूला, इट्स ए हिल डेस्टिनेशन एंड द वैली ऑफ कॉर्बेट एंड द लाइफ लाइन ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो लाइफ लाइन है रामगंगा रिवर, उसमें जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ एंजॉय करेंगे, फिश देखेंगे हम। फिशिंग तो अब बंद हो गई है लास्ट 10 ईयर से। चलो बट विल सी द फिश, विल सी द क्रोकोडाइल, विल सी द महासीमा। आजकल देखना ही फिशिंग है। हाँ जी, आजकल देखना ही फिशिंग है। हाँ जी हाँ जी। हंटिंग जंगल में हम लोग आते हैं तो हंटिंग हमारी आईज की हंटिंग है और कैमरे से हंटिंग है। अच्छा, वो गन हंटिंग नहीं है। वो तो है। सो द सेम फिशिंग इज द सेम, हम फोटोज खींचेंगे मछली की और हमारे पास कुछ अच्छी फोटो आ गई तो हम समझेंगे हमारी अच्छी फिशिंग हुई। चलो ठीक है। सो गाइस फटाफट से चलते हैं, अभी हमने एक पॉज लिया था यहाँ पे पानी वगैरह लेने के लिए, तो चलते हैं फटाफट से।
सीरियसली इट्स फुल एडवेंचर। देख तो ब्रिज कितना प्यारा है यहाँ पे, एंड वो जो अंकल जा रहे हैं सामने, एंड वो भैया रेड टी शर्ट में, लक्ष्मण झूला नहीं है ये, एज यू कैन सी। सो गाइस आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से उतरना पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये देखो मैं पूरा नंगे पैर आया हूँ यहाँ से, ठीक है, बस मेरे पास इस समय चप्पल नहीं है, मैं अपनी चप्पल लाना भूल गया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो मुझे पूरा ये क्रॉस करना है, एंड अभी तो हम ये क्रॉस करके आए हैं भाई, ये देखो कितना मुश्किल से करा है, वीडियो नहीं बना पाया मैं, एंड ये क्रॉस करता हूँ, अब देखता हूँ भाई कर तो लूँगा, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे बस, क्योंकि तो स्नैक वगैरह ना आजे, अंकल ने कहा है यहाँ पे बहुत स्नैक है, एंड संभल के आना है यहाँ पे, एंड लिटरली मेरी फट रही है यहाँ पे, स्नैक से नहीं फट रही, मेरे को ये डर लग रहा है कि मेरे पैर में कुछ लग वगैरह ना जाए, एंड ऐसा एडवेंचर भाई मेरा बहुत मन था करने का, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड का, ठीक है, मैं बहुत देखा करता था बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, एंड प्रॉपर जंगल जो बना हुआ है ना वो इस चीज़ की मुझे फील देता थोड़ी बहुत। चलो फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, फक 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 चुप गया कुछ, इसका प्रेशर बहुत तेज है एंड बहुत डीप है। इंजॉय करा? हाँ भाई। ऐसा एडवेंचर करा कभी? कीड़े हैं इधर गाइस, वो देखो वहाँ पर भी लोग फिशिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस इस समय एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे पास, ये जो आपको रिवर दिख रही है इसको क्रॉस करना है, ठीक है, वो देखो वो लोग बीच में जा चुके हैं, इसको यहाँ से वहाँ तक क्रॉस करना है, बिकॉज यहाँ पे हम रुक नहीं सकते, ठीक है, एंड इसको क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट भाई। ये देखो मैं एक बार क्रॉस कर लूँ उसके बाद ही मिलता हूँ भाई, ये वीडियो दिखाने से बढ़िया मैं आराम से क्रॉस कर लूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए सेफ है।
ठीक है, अगर चलती रही वीडियो चलती रही, बाकी मैं कर तो रहा हूँ क्रॉस भाई। ओह फक, पानी तो बहुत तेज है यहाँ का, बहुत ज़्यादा तेज पानी है एंड उसके अंदर पत्थर है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी पत्थर है। वो देखो भाई, वो देखो, वो भाई इसका फ्लो तेज होता जा रहा है एकदम, इसका फ्लो बहुत तेज होता जा रहा है। बस मैं एकदम सेंटर में हूँ अब, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये है पूरा सेंटर एंड मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ अभी। ये देखो भाई, वो लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत तेज फ्लो है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, फ्लो देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो भाई, मैं बताऊं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं बताऊं, पत्थर नहीं है, पानी बढ़ने लगेगा तो मेरी अब थोड़ी थोड़ी देर में नजर, जैसे ही अगर इस पत्थर को पानी टच कर गया ना ढंग से, इट मींस पानी का प्रेशर पीछे तेज हो गया, पानी अब बढ़ेगा, निकल लो यहाँ से, भाग लो, छोड़ो ये चीज। ठीक है भाई, अंकल यहाँ पत्थर रखा है सिर्फ पानी का प्रेशर चेक करने के लिए, बढ़ने का, बढ़ने का, अगर पानी बढ़ता है तो पता लग जाएगा। इस पत्थर से इधर आया तो पानी तेज हो रहा है। ऐसा एडवेंचर भाई आज तक नहीं करा है मैंने, फर्स्ट टाइम है। अंकल आपने तो पहले भी करा होगा ये सब कुछ? यस, कर रखा है मैंने, फर्स्ट टाइम करा, मजा आ गया। जंगलों में आते हुए 30 साल हो गए, बहुत बढ़िया, और मुझे ये एडवेंचर करने बहुत अच्छे लगते हैं, और आप जैसे और बच्चे कुछ साथ में होते हैं जिनका एडवेंचर पसंद है तो करवाने में भी और मजा आता है। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एंड सीरियसली मैंने पहली बार की नदी क्रॉस और देखा, बहुत मतलब अलग, काम प्रिकॉशंस के साथ करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देसी तरीके हैं जो एडवेंचर्स के होते हैं। हाँ जी, इन तरीकों से आपका एडवेंचर हो रहा है, और आजकल के टाइम में हम इसी को फिशिंग कहते हैं, ये फिशिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमें पूरा क्रॉस करके पूरा वहाँ तक जाना है, एंड पूरा क्रॉस करने के बाद मिलूंगा मैं, कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ यहाँ पे, बिकॉज अंधेरा इतना हो गया कि निकलना मुश्किल हो गया, वीडियो तो इम्पॉसिबल, ठीक है, लाइक करो तो वीडियो जाओ। गाइस फाइनली हमने रिवर क्रॉस कर लिया, अभी आप अंधेरा देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ठीक है, एंड अब हमें इस रास्ते जाना है, सबने अपनी टॉर्चेस जला ली है भाई, ये देखो यहाँ से निकल के जाना है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, और बहुत आगे, बहुत आगे तक है, बहुत आराम आराम से जाना पड़ेगा भाई, बहुत आराम आराम से जाना पड़ेगा, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। चले अंकल, हाँ चप्पल, चप्पल में जूते पहन रहा, 2 मिनट, निकलो निकलो यहाँ से फटाफट, चलो भाई। ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है, हम भाई पता नहीं कहाँ से पार कर रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो भाई, जान निकल रही है यहाँ पे, बहुत गंदी। सो गाइस हमने रिवर तो पूरी क्रॉस कर ली थी वहाँ से, ठीक है, बट अब दिक्कत क्या आ गई है कि आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हर बंदा यहाँ तक आ नहीं सकता, तो हम इसलिए वापस बाहर से कार लेके आए हैं अंकल के साथ जाके, ठीक है, मैं और अंकल गए थे कार लेने, हम उनके पास जा रहे हैं अंदर रिवर का जो बैंक है, रिवर बैंक तक। सो गाइस अगर आपको ये फ्लैश दिख रही है चमकती हुई, एक डॉट आ रही होगी सिर्फ, एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, बेसिकली लाइट फ्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है, वो देखो अगर आपको दिख रहा है तो अंधेरे में, कि एक हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी वो आ रही है फ्लैश, एंड मैं हम यहाँ कार में हैं, ये रही कार देखो, एंड मैं बाहर निकला हुआ हूँ कार से, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो भाई कैसे चमक रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, थोड़ा पास जाता हूँ मैं, ये देखो भाई, इसे बोलते हैं जुगनू। Hey guys, namaste. It's your Kalash. It's your Kalash. It's your Kalash. It's your Kalash. The next day.